हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास टेंथ के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रोज सेक्शन से पहले लेसन जिसका नाम अ लेटर टू गॉड है से कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। इस आंसर को बहुत ही आसान इजी बनाने की कोशिश की गई है ताकि इसे याद करने में आपको कोई कठिनाई ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई? बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है? आंसर है, लेंचो कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स टू द न्यू कॉइंस। लेंचो बारिश के बूंदों की तुलना नए सिक्कों से करता है। ही कंपेयर्स टू देम, वह उनकी तुलना उनसे करता है। बिकॉज, क्योंकि द रेन ड्रॉप्स हेल्प हिम टू ग्रो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स। क्योंकि बारिश की बूंदें या वर्षा की बूंदें उसके फसल को बढ़ाने के काम आती हैं। विच रिजल्ट्स इन मोर प्रॉस्पेरिटी, जिसका परिणाम अत्यधिक जो है अनाज प्राप्त करना होता है। बीइंग हैप्पी, खुश होकर, ही एक्सक्लेम्स, वह जो है चिल्लाता है, चीखता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से गिरने वाली वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पैसेस, बड़ी बड़ी बूंदें 10-10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5-5 पैसे की हैं या 5 सेंट की हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी? व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की क्या जो है क्या थी, सच्चाई थी? आंसर है, लेंचो फेल्ट, लेंचो को महसूस होता था या लगता था, दैट द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, फूलों से भरे हुए जो है खेत अर्थात अनाज, ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की जो है वादा कर रही थी। दैट इज वाई, इसलिए ही वाज एंटिसिपेटिंग ए गुड हार्वेस्ट, इसलिए वह एक अच्छी फसल का पूर्वानुमान जो है लगा रहा था। एंटिसिपेटिंग का मतलब होता है पहले अनुमान लगाना, पूर्वानुमान उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन केम ट्रू, अर्थात वर्षा के विषय में लेंचो की भविष्यवाणी सच कैसे साबित हुई? वर्षा के विषय में लेंचो की भविष्यवाणी सच कैसे साबित हुई? जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि सीइंग द बंच ऑफ क्लाउड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर और पूरब की कोने पर वह जो है बादलों के कुछ गुच्छों को देखकर भविष्यवाणी किया था। उसकी यह भविष्यवाणी कैसे सत्य हुई, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, लेंचो हैड लुक्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेंचो उत्तर पूरब दिशा में देखता रहा था। एंड रिमार्क, और उसने कहा था, कहा दैट दे वुड गेट सम वाटर, कि आज उन्हें कुछ पानी मिलेगा। हिज प्रेडिक्शन अबाउट रेन केम ट्रू, वर्षा के विषय में उसकी भविष्यवाणी सच हुई। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग, जब शाम के समय वर्षा का होना आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है,
Why was Lenchu's soul filled with sorrow? इसका अर्थ होता है लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई. Why was Lenchu's soul filled with sorrow? लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई. आंसर है लेंचो's soul was filled with sorrow. लेंचो की आत्मा दुख से भर गई बिकॉज हिज क्रॉप्स वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टोन्स. उसकी फसल जो है ओले से पूरी तरह से जो है बर्बाद हो गई थी. नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज. पौधों पर एक पत्ती भी नहीं बची. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. पौधों से फूल भी झड़ गए थे. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी. तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है. अब आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट. परिवार वास्तव में सच में अपसेट क्यों नहीं था, अर्थात परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं था. तो इसका आंसर है लिखा गया है दो द फैमिली ऑफ लेंचो वॉज फेसिंग रून. यद्यपि लेंचो का परिवार बर्बादी का सामना कर रहा था एट दे वर नॉट रियली अपसेट. फिर भी वे